नमस्कार आदाब, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुमरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 18 मई को थाने पुलिस आयुक्त विवेक फरसलकर को NIA द्वारा ये सूचना मिली कि एक आदमी नकली नोटों के साथ मुमरा आने वाला है। इसकी सूचना थाने पुलिस आयुक्त ने मुमरा पुलिस स्टेशन को दी और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सूचना मिलते ही मुमरा पुलिस स्टेशन ने अमृत नगर स्थित शादी महल परिसर के शिस्तिया नगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 500 रुपये के 164 नोट तथा 14 मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जिसकी कुल कीमत 146,000 रुपये बताई जा रही है। इसी संदर्भ में मुमरा पुलिस स्टेशन में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं, इस पत्रकार परिषद में मुमरा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री मधुकर कर्ण ने पत्रकारों को क्या जानकारियां दी। सर, एक मिनट। कल दिनांक 18/5/19 को माननीय पुलिस आयुक्त श्री फणसळकर साहब को NIA की तरफ से जानकारी मिली थी, एक आदमी जाली नोट लेके मुमरा में आ रहा है। तो उस हिसाब से हमको उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया था और कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। उनके आदेश के मुताबिक कल हमारे API बोर्ड से और उनकी टीम ने जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक छापा डाला था संजय नगर अमृत नगर में। और अमृत नगर में छापा डालने के बाद में एक आदमी जसीम उर्फ वसीम सलीम शेख, ये 42 इयर्स का है, अमृत नगर में रहता है, शादीमल रोड पे, उसको ताबे में लिया और वहाँ 82,000 रुपीज़ यानी 82,000 रुपये, हमको 500 रुपये की जो नोट रहती वो 164 नोट मिली है और वो सब जाली है। उसने जब ताबे में लिया तो वो नोट उसने बेंगलोर से लाया ऐसा बताया है। उसके ऊपर आगे जांच की जा रही है और ये सब जब्त करने के बाद में, जाली नोट जब्त करने के बाद में उसके खिलाफ 489B और 489C IPC के धारा मुताबिक गुना दाखिल किया है और उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। आज उसको कोर्ट में हाजिर किया था PI मुजावर साहब ने और उसको 24 तारीख तक PCR दिया है कोर्ट ने। सर, ये क्या चला था बाजार में? ये अभी स्टार्टिंग की जानकारी ऐसी कि जो जाली नोट लाए है तो उसने कोशिश किया है, अभी वो आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उसने यूज़ किया नहीं किया करके। सर, कहाँ से लाए जाली नोट कुछ पता चला? उसके कहे मुताबिक, एक्स के कहे मुताबिक जिसको अरेस्ट किया है उसने बताया कि ये बेंगलोर से लाया हुआ है। तो उसकी भी जांच चालू है हमारी कि बेंगलोर से कहाँ से लाया और कैसे उसने यहाँ तक लाया, ये जांच चालू है। सर, ये जसीम और वसीम सलीम शेख चिश्तिया नगर शादी महल रोड अमृत नगर मुमरा, ये यहाँ का प्रॉपर रहने वाला है, कितने अरसे से रहता है यहाँ पर? सर, ये पुराना खुद का मकान है, उसका पुराना मकान है और उसके घर में बच्चे हैं, बीवी है। ये उसके खिलाफ में 3 मामले दाखिल है, इसके पहले वो चोरी के मामले दाखिल है, मोबाइल थेफ्ट में कोलकाता में एक मामला दाखिल है उसके खिलाफ में। कलकत्ता में एक आदमी से उसकी पहचान हुई थी और उसके ऊपर से बेंगलोर वाले आदमी से उसकी पहचान हो गई, वहाँ से उसने ये जाली नोट लाए। अच्छा, मूल रूप से मतलब वो मोबाइल चुराने का काम करता है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है मोबाइल चुराने का? यस, मोबाइल चोरी का भी आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ में 399 के ऑफेंस रजिस्टर है क्रॉफर्ड मार्केट में, उसके खिलाफ वो बता रहा है, अभी वो वेरिफिकेशन होना है। अच्छा, प्लानिंग रॉबरी है उसके खिलाफ? यस जी। सर, कितना रिमांड मिला उसका आज? 24 तारीख तक उसका रिमांड मिला है। उसके कहे मुताबिक उसने 30,000 रुपये दे के ये नोट लाए थे, तो वो अभी आगे चलेगा क्योंकि रमजान का महीना था, लोग मार्केट में जाते हैं, तो उस हिसाब से उसने नोट खपाने की कोशिश किया है। एक्चुअली मुमरा में प्रयास किया उसने, ऐसा कुछ कोशिश की? ऐसा उसने स्टार्ट किया था लेकिन अभी सफल हुआ नहीं हुआ वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। पाँच सौ की नोट हाथ में लिया या 2,000 की नोट हाथ में लिया तो आपको पता चलता है कि असली नोट कैसी है और जाली नोट कैसी है। तो ये मुझे ऐसा जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा है कि ये प्रिंट किया हुआ नोट है, स्कैनर के जरिए प्रिंट किया हुआ नोट है। सर, ये क्या सीरियल वाइज नोट है? नहीं नहीं, सीरियल अलग अलग सीरीज की नोट है, ये 8 सीरीज में नोट से है मेरा वोट। सर, ये पिछले कुछ दिनों से मतलब आपकी डिटेक्शन ब्रांच जो है
वो बड़ी सक्रिय दिखाई दे रही है। तो ये डिटेक्शन ब्रांच ने जो काम किया है और इसमें मुखबिर के जरिए ही ये जो काम जो है हुआ है, तो खबर का मतलब सोर्स कैसा रहा, उसके ऊपर आपने कैसा फिर उसको मूर्त स्वरूप दिया, किस तरीके से ऊपर पूरा ऑपरेशन मतलब आप लोगों ने क्रिएट किया, थोड़ा सा उसकी जानकारी दीजिए। ये बहुत सीक्रेट जानकारी NIA इंस्टीट्यूट को मिली थी। NIA ने हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को दिया था, पुलिस कमिश्नर साहब ने हमको वर्कआउट करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। उसके ऊपर से कल बहुत स्विफ्ट यानी बिल्कुल 2-3 घंटे में एक्शन तुरंत में ले लिया, क्योंकि सिर्फ लोकेशन के ऊपर से आपको आदमी का कुछ भी पता नहीं था। एक्चुअली सिर्फ लोकेशन के ऊपर से पता चल रहा था कि एक आदमी के पास में जाली नोट है, उस हिसाब से हम लोगों ने वो उसको ट्रैक किया था। और पहले वो रेलवे स्टेशन की तरफ गया, रेलवे स्टेशन की तरफ से फिर उसका पीछा किया और वो कहीं इधर उधर जा रहा था, तो जैसा जैसा उसको ये किया ट्रैक किया, उसके बाद में उसके घर में ये सब मिला है। कुल कितने घंटे ये ऑपरेशन चला सर? ये 4-5 घंटे ये सब ऑपरेशन चला है। ये सब इसने सर्च किए हैं क्या सर? ये पता चलेगा अभी इन्वेस्टिगेशन में जांच। तो ये पब्लिक से या दुकानदारों से कोई अपील के इस तरह के नोट अगर उनको मिलते हैं तो उन लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि असली नोट है कि नहीं, जाली नोट है कि नहीं। उसके ऊपर टिपिकल ट्रेडमार्क रहते हैं असली नोट और जाली नोट में। तो वो मार्केटिंग के समय अभी भीड़ भाड़ का इलाका है और रमजान का महीना, लोग मार्केट के लिए बाहर निकलते हैं, तो दुकानदार और बाकी पब्लिक ने ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। सर ये मोबाइल चोरी किया है उसने, तकरीबन 14 मोबाइल उसके पास से आप लोगों ने रिकवर किए 1,46,000 कीमत के। तो मोबाइल चुराने की उसकी क्या MOB है, किस तरीके से वो मोबाइल चुराने का काम किया करता था, इस बारे में कुछ पूछताछ हुई है उससे? यस, ये मोबाइल ये इसमें नहीं चोरी, अपने रेगुलर इसमें नहीं, वो इससे ट्रेन में चोरी करता है। हाँ, इसकी आदत है कि ट्रेन में ट्रैवल करना और ट्रेन के जरिए जो मोबाइल ट्रैवलर्स है उनके मोबाइल चोरी करना, ये इनकी आदत है। अच्छा, फेलो पैसेंजर्स को टारगेट। यस यस। सर इस मामले में कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है? यस बिल्कुल, आगे जांच चालू है और हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन ले जाएगी बाहर, तो गिरफ्तारी 100% होगी इसमें। सर 4-5 साल पहले एक बुर्कापोश औरत ने चिश्तिया नगर से ही निकाली गई थी, उसका इसका कुछ संबंध है क्या? नहीं, अभी इसका हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो चेक करेंगे। नहीं, वो नहीं।